दोस्तों रिव्यू करेंगे इस वीडियो में केडी फाइलेट सिरप के बारे में, लिक्विड के बारे में। भाई क्या है, कहाँ चलती है, कौन सी प्रॉब्लम में काम आती है, किस तरह से काम करती है, डोज कितनी लेनी चाहिए, साइड इफेक्ट क्या है, सावधानी क्या है, जानेंगे सब कुछ। सो देखिएगा, देखिए केडी फाइलेट एक ब्रांड नेम है जायडस कैडिला कंपनी का, काफ़ी अच्छा और पुराना ये ब्रांड है। दोस्तों इसको फिजिशियन डॉक्टर, चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो सेल्फ यूज नहीं करना है। बात करें इसकी यूज के बारे में, तो दोस्तों कई बार व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एक कफ की शिकायत हो जाती है, कफ के साथ साथ सांस लेना भी बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, व्यक्ति के श्वास नली में कफ जमा हो जाता है यानी मुकस जमा हो जाता है, ब्रोंको डाइलेटर की प्रॉब्लम हो जाती है, COPD की दिक्कत हो जाती है। तो उन सभी कंडीशन में ये सिरप दी जाती है, पिलाने की ये आती है, ठीक है, कफ की प्रॉब्लम में दी जाती है, वेट कफ की प्रॉब्लम में। इसके साथ साथ दोस्तों फेफड़ों में अगर बहुत ज़्यादा कफ जमा है, तैंते की आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है, नाक के अंदर भी बहुत ज़्यादा मुकस यानी कफ जमा हो गया है, तो उन कंडीशन में भी दी जाएगी। बात करें भाई किस तरह से काम करती है, तो दोस्तों इसके अंदर आते हैं तीन कंटेंट। पहला है पाई पीरा जाइफी ड्रीन और तीसरा है ग्यूफिनसिन और दोस्तों थोड़ी मात्रा में एल्कोहल भी डाला गया है। देखिए जो पाइप पिराजाइन है दोस्तों, ये जो एयरवेज होते हैं, जो श्वास नली होती है, तो वहाँ पर ये एयर को बहुत ज़्यादा अधिक पास करवाता है, जिससे कि सांस लेना इजी हो सके, तो ब्रीथिंग को इजी करता है। इफी ड्राइन दोस्तों श्वास नली को, कफ को ये वहाँ से हटाता है, ठीक है, मांसपेशियों को चौड़ा करता है, रिलैक्स करता है। और ग्यूफिनसिन कफ को ढीला और चिपचिपा, अगर कहीं चिपा हुआ है तो वहाँ से हटाकर ढीला कर बाहर निकालता है, तो इस तरीके से ये काम करती है। डोज की बात करें, कोई बड़ा व्यक्ति है इसकी 5-5 ml 2-3 बार ले सकता है मैक्सिमम, सुबह दोपहर और शाम खाने के बाद ले सकता है, ठीक है, इसके साथ अदर मेडिसिन भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। थोड़े बहुत साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि सर दर्द होना, वोमिटिंग होना, स्टोमक अपसेट रहना है, नींद आने में दिक्कत होना है, लेकिन ये बहुत ही कम चांस में ही होते हैं, घबराने की बात नहीं है। सावधानी बस यही है कि डॉक्टर की सलाह लीजिएगा, अगर आपको कोई और कोई एलर्जिक प्रॉब्लम दिखाई देती है लेने के बाद, तो तुरंत इसका यूज़ करना बंद कर दीजिएगा। प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में भी डॉक्टर की सलाह ले लेना चाहिए, अच्छा रहता है बच्चे के लिए। तो दोस्तों संपूर्ण रिव्यू था, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, कुछ भी समझिए लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं वीडियो में।